मैं हूं राव साहेब फुंदे और आप देख रहे हैं हमारा गुरुजीज व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारा उत्तराखंड का जो टूर है उसका पांचवा दिन है। दो दिन पहले हमने यमुनोत्री में जाके दर्शन कर लिया और वहां से हम जो कि यहाँ जो छोटा चार धाम होता है उसका दूसरा पड़ाव है गंगोत्री धाम, तो अभी हम गंगोत्री के लिए दर्शन के लिए आए हैं। बिल्कुल सुबह हमने यहाँ गंगा में स्नान किया है, कुछ ठंडा पानी है। और यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति होती है और मोक्ष मिल जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। तो ये जो गंगोत्री स्थान है ये हरिद्वार से 290 किलोमीटर की दूरी पर है और जनपद उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमने रात को भटवाड़े में स्टे किया था, मतलब इससे पीछे वाला व्लॉग आपने देखा होगा, भटवाड़े में हम स्टे कर गए थे और वहाँ से बिल्कुल सुबह 3:30 बजे हमने आगे का ट्रैवल शुरू किया और आगे हम हर्षिल भैरव घाटी करके बिल्कुल सुबह यहाँ 6 बजे पहुँचे हैं गंगोत्री में। तो अभी हमें मंदिर में दर्शन के लिए जाना है यहाँ दोस्तों, तो अभी हम मंदिर में दर्शन के लिए चलेंगे। ये आ गया मुख्य द्वार माता का, चलिए हमारे साथ मंदिर। तो दोस्तों ये है गंगोत्री का, गंगा मैया का मुख्य मंदिर, जहां हम कुछ पल में दर्शन के लिए जाने वाले हैं और आप साथ दे सकते हैं। यहां बिल्कुल सुबह 7 बजे बहुत सारी भीड़ जमी हुए माता के दर्शन के लिए और कुछ पल में जो यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। दोस्तों बिल्कुल सुबह सुबह हमारे साथ कुछ श्रद्धालु आए हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप? हम एमपी देवास से। देवास से एमपी से कैसा लग रहा है आपको यहाँ? अच्छा, पवित्र स्थान पे बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव बम बम बोले। बोलो शंकर भगवान की जय, होर होर महादेव, गंगा मैया की जय हो। मंदिर के बिल्कुल स्टेट पूरब में ये देखिए एक खूबसूरत झांकी बनाई गई है जो हर किसी श्रद्धालु का मोह लेती है, आप देख सकते हैं। और ऊंचा पहाड़ तो आपको काफी खूबसूरत नजर आता होगा। यहाँ बहुत सारे भोज के पेड़ है, देवदार के पेड़ है, इसीलिए यह स्थान स्वर्ग से भी सुंदर और ब्यूटीफुल या अति सुंदर कहे तो भी शब्दों में कम हो सकता है। तो बिल्कुल सुबह सुबह 7:30 बजे हमने जो गंगोत्री का मुख्य मंदिर है वहाँ दर्शन कर लिया है और यहाँ कुछ श्रद्धालु आए हैं उनसे हम बात करें। भाई हमारा भाई साहब आपका शुभ नाम? पीयूष शुक्ला। पीयूष शुक्ला। बहन जी आपका नाम? मुना यादव। कहाँ से आई है आप? हम मलाजखंड से आए हैं। कहाँ से? मलाजखंड एमपी। हाँ मलाजखंड एमपी से। आप एक ही फैमिली से आए सभी? जी पूरी। हाँ पूरी यहाँ में आए हैं। हाँ हाँ पूरे फैमिली के साथ आए हैं। तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ जो ब्यूटीफुल नेचर है साथ साथ गंगा माँ का दर्शन की भी आपको हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पहली बार आए हैं क्या? इससे पहले कभी आए थे? पहली बार आए। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं यहाँ चौथी बार आ रहा हूँ। 2010 को आया था, फिर 14 आपदा आई थी, 14 को भी हम आए थे। वैसे तो हम प्राइमरी टीचर है सरकारी स्कूल में, तो ये काम करना हमें अच्छा लगता है।
तो बिल्कुल सुबह सुबह आपका दर्शन होगा है यहाँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया की, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए बिल्कुल 7:30 बजे का समय है। बहुत सारे श्रद्धालु माँ गंगा मैया का जो मुख्य मंदिर है वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी तो हमने मंदिर में जाके दर्शन कर लिया है। ये है गंगोत्री जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। वैसे तो दोस्तों यही स्थान से आगे वाले इस बाजू पे 20 किलोमीटर पर गंगा नदी का उद्गम स्थल है जो समुद्र स्थल से कुल 4200 मीटर की ऊंचाई पर है। और हम तो अभी यहाँ गंगोत्री में हैं। यहाँ जो ये ऊंची है इस स्थान की वो है लगभग 3200 मीटर। आगे वाला जो 20 किलोमीटर का ग्लेशियर में गंगा नदी का उद्गम स्थल है वहाँ जो श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों को यहाँ प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाती है और वो आगे की यात्रा करते हैं। तो यही गंगोत्री है लेकिन गंगा का उद्गम स्थल है बिल्कुल आगे वाले हम दिखा रहे उस हिस्से से 20 किलोमीटर आगे है। आप देख सकते हैं ऊपर बर्फ जो पहाड़ियों में जमी हुई है। गंगोत्री जो हिंदू धर्म में एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है इसी स्थान पर राजा भगीरथ ने शिव जी की आराधना की थी और गंगा मैया को यहाँ उतरने को लिए कहा था और शिव जी ने उनकी आराधना सुन ली और माँ गंगा ने भी बिल्कुल इसी स्थान पर पहले स्पर्श किया था, यही स्थान पर उतरी थी, इसीलिए इस स्थान को गंगोत्री कहा जाता है। और यही गंगा में जो भी स्नान करता है उनको पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों जो गंगोत्री का गंगा नदी का तट है उसी तट पर देखिए एक गणेश भगवान है, साथ में भगवान भोलेनाथ। बहुत ही खूबसूरत यहाँ झांकियाँ पेश की गई है जिसका दर्शन हम आपको करवाते हैं। बहुत सारे दोस्तों अभी हमने मंदिर में जाके गंगा मैया का दर्शन तो कर लिया है और फिर हम अब रिटर्न की जर्नी शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सुबह सुबह यहाँ होटल में बहुत सारे मिष्ठान पक रहे हैं। आप देख सकते हैं अच्छी खुशबू भी आ रही है लेकिन आज सोमवार है, भगवान महादेव का वार, तो हम आज यहाँ नाश्ता कुछ करेंगे नहीं, आगे चल जाके हम हमारा जो उपवास है वो छोड़ेंगे। चलिए गंगोत्री में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्होंने जो दर्शन पास निकाले हैं वहाँ इस जगह पे देखिए दोस्तों चेकिंग हो रही है। और दोस्तों बिल्कुल 6 बजे हम जो गंगोत्री का उद्गम स्थल है जिसे गंगोत्री कहा जाता है उसी स्थान पर हम आए। बिल्कुल पहले हम यहाँ जो गंगा मैया में स्नान होता है वो स्नान किया, क्योंकि ग्रंथों में हिंदू धर्म में कहा गया है जो भी माता गंगा में स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। उसके बाद हम मंदिर में जाके दर्शन भी करके आए हैं, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो हम व्लॉग बनाते हैं इसी माध्यम से। वैसे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं चौथी बार यहाँ गंगोत्री में दर्शन के लिए आया हूँ
अच्छा लगता है, लोकेशन है, मन प्रसन्न होता है और भगवान के मंदिर के सामने हर खुशी मिलती है। तो हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लग रहा है, मतलब आगे तो हम भगवान केदारनाथ के लिए भी जाने वाले हैं, बद्रीनाथ के भी जाने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। गंगा मैया की जय।